पांच सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया की प्रक्रिया रघुवर जी के सरकार के समय से चल रही थी, और रघुवर जी ने जो नियमावली लाया था उसमें पहले रिटेन एग्जाम था, फिर फिजिकल था, फिर मेडिकल था। लेकिन ये सरकार जब आई तो 6 एग्जामों को रद्द किया। उस 6 एग्जाम में उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया भी एक एग्जाम था, और इन लोगों ने नियमावली 21 में चेंज किया। और हेमंत जी ने नियमावली लाया कि हम पहले फिजिकल कराएंगे, फिर रिटर्न कराएंगे, फिर मेडिकल कराएंगे। और 10 दिन के अंतराल के दौरान आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में लगभग 6 लाख युवाओं को दौड़ा दिया गया, और इससे आज 13 जाने चली गई हमारे झारखंडी युवाओं का। अभी आंकड़ा चूंकि 200 लोग अस्पताल में भी है, और यह आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है, और सरकार का कोई संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरा परिवार जो जाने गई हैं हमारे 13 झारखंडी युवाओं का, उन परिवारों के साथ है, उनको संवेदना प्रकट करता है। उन परिवार के साथ कल भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे असम के मुख्यमंत्री, हमारे चुनाव के सह प्रभारी ने घोषणा भी किया कि हम उन परिवारों को 1-1 लाख रुपया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुआवजा भी देंगे। लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चूँकि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से। उन पीड़ित परिवार जो 13 से ज़्यादा परिवार है, उनको सरकार 50-50 लाख मिनिमम मुआवजा का राशि उन परिवार को देने का काम करे। जो दोषी पदाधिकारी है जिनके वजह से ये जान गई है, क्योंकि लगातार कैजुअलिटी इसलिए आई है कि पूरे प्रदेश में मेडिकल व्यवस्था फेल है, तो उन कैजुअलिटी जो आई है जिस परिवार को, और जिस जो दोषी पदाधिकारी है, चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे जो उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया में जो भी पदाधिकारी है, उस दोषी पदाधिकारी के ऊपर अविलंब सरकार कार्रवाई करे, और सरकार के मंत्री उनके घर जाएं, उनको मुआवजा देने का काम करें, और जो शोक परिवार है उनके साथ सरकार के लोग खड़ा हों, सरकार के लोग, सरकार के मुखिया आगे आएँ और उन परिवार के साथ खड़ा हो, हमारा यही मांग है। देखिए, आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे, सरकार ने 4.5 सालों में युवाओं का सपना छीना, और अब 2 महीने जब बचे हैं तो चुनाव को देखकर अब ये जान छीनने का भी काम कर रही है। मतलब यह सरकार, इसने जो 25 लाख रोजगार इनको 5 साल में देना था वो तो चल दिया नहीं, अब क्या है कि जाते जाते युवाओं का जान भी छीनने का भी काम कर रही है। यह सरकार दौड़ के माध्यम से रोजगार तो नहीं दे पा रही है, लेकिन मौत जरूर बांट रही है। आज हम लोग अपना इसीलिए यहाँ श्रद्धांजलि सभा करके अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं इसमें, उनको देने का काम करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और ख़ास करके ऐसे बच्चे जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल लोग हर साल इंतज़ार करते हैं, लेकिन इनको भी तैयारी के लिए भी एक समय देना चाहिए कि आप एक टाइम फ्रेम में जाकर दौड़िए और अपना बहाली को निकाल पाए। लेकिन यह सरकार सिर्फ चुनावी स्टंट था या इसको रोजगार देना नहीं था, जिसका ही नतीजा आप देख रहे हैं कि यह घटना घटित हुई है। देखिए, आज हम लोग वहीं जो 13 शहीद अपने युवा साथी हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, और जिस प्रकार झारखंड में जो सरकार चल रही है, चुनावी वर्ष है, चुनाव आने वाला है, उसको देखते हुए यहाँ के सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने आपाधापी में नियुक्तियाँ शुरू की, बहाली शुरू की, और उनको झारखंड के विकास से, झारखंड के युवाओं के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी आगे आने वाले समय में 5 साल कैसे मेरी पुनः सरकार बन जाए, इसलिए ये आपाधापी में बहाली की। और इस बहाली में जिस प्रकार अनियमितता बरती गई है, जिस प्रकार जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जिससे बिहार झारखंड के जो है युवा और छात्र जो है अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इस तरह के आने वाले समय में और भी घटनाएं घट सकती है, इसलिए सरकार को इस तरह की बहाली नहीं करना चाहिए। और जो आपने पिछले 5 साल में जो वादा किया था कि हम ये करेंगे, उसके पूरा करने का, उसको संपूर्ण रूप से ख़त्म करने का ये थोड़े समय आ गया। अब तो यहाँ की युवा जब आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आनन फानन बहाली कर रहे हैं, और भी जो है परेशानी हो रही है, युवाओं जो बहाली में आ रहे हैं तो मर रहे हैं। हमारी पार्टी ने घोषणा भी किया है कि भाई 1 लाख रुपया उनको, आप श्रद्धांजलि देने के बजाय आप दिल्ली में घूम रहे हैं, आप जो है सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो झारखंड का युवा है वो हेमंत सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी।